हिमालय गद्दी यूनियन की राज्य इकाई की बैठक महेंद्र सिंह की अध्यक्षता और राज्य संयोजक रमेश मस्ताना की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक के दौरान बैजनाथ, पालमपुर, शाहपुर, धर्मशाला, खनियारा, दाड़ी, रक्कड़, सुधेड़, कजलोट, नड्डी आदि क्षेत्रों से आए हाली बॉडी, सिप्पी, घोगरी समुदाय से जुड़े राज्य कार्यकारिणी के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। हिमालय गद्दी यूनियन की राज्य इकाई की बैठक महेंद्र सिंह की अध्यक्षता और राज्य संयोजक रमेश मस्ताना की उपस्थिति में आयोजित हुई। बैठक के दौरान बैजनाथ, पालमपुर, शाहपुर, धर्मशाला, खनियारा, दाड़ी, रक्कड़, कचलोट, नड्डी आदि क्षेत्रों से आए हाली बाड़ी, सिप्पी, गोगरी समुदाय से जुड़े राज्य कार्यकारिणी के लोगों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह ने बताया कि हिमालयन गद्दी यूनियन जहां गत करीब 3 वर्षों से गद्दी समझाओ की उपजातियों के लिए कार्य कर रही है, जिनके साथ गद्दी शब्द नहीं जोड़ा गया, जबकि वे समुदाय को अभिन्न हिस्सा माने जाने वाली हाली बाड़ी, दोगरी, सिप्पी, रियाड़े तथा डागी आदि साथ राजस्व अभिलेख में गद्दी शब्द जोड़ने से उन्हें आज भी गद्दी नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा कि हिमालयन गद्दी यूनियन किसी राजनीतिक पार्टी विशेष का संगठन नहीं है, इससे सभी राजनीति से जुड़े लोग हैं, परंतु जब समुदाय के साथ अन्याय की बात की जाती है तो समुदाय एकजुट होकर चर्चा के दौरान समस्त उपजातियों के प्रतिनिधियों ने एकमत से सरकार से आग्रह किया कि मात्र एक अधिसूचना के माध्यम से सारी समस्या का समाधान हो सकता है, जो कि सरकार को अभिलंब कर देना चाहिए। इस दौरान यूनियन के विस्तार को लेकर आगामी रणनीति को तैयार किया गया तथा कांगड़ा, चंबा तथा मंडी जिलों के संयोजक भी बनाए गए, जिसमें प्रताप सिंह जिला कांगड़ा, रमेश बोला को जिला चंबा तथा राजकपूर जिला मंडी में यूनियन के विस्तार पर कार्य करेंगे तथा जिला इकाइयों के गठन करवाएंगे। आज दिनांक 5 जनवरी 2020 को मकलोडगंज के प्रांगण में देवभूमि में हिमालयन गद्दी यूनियन की एक मीटिंग हुई है, जिसमें कि रेवेन्यू रिपोर्ट में जो दुरुस्ती की मांग लंबित है काफ़ी वर्षों से, उसके बारे में विचार विमर्श हुआ है और सरकार से हमारी ये मांग रही है कि रेवेन्यू में जल्द से जल्द गद्दियों की उपजातियों के आगे गद्दी शब्द जोड़ा जाए और सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द आपका ये काम किया जाएगा। और जो पत्राचारों ने रेवेन्यू सेक्टर से हमारे डिप्टी कमिश्नर धर्मशाला को जो पत्राचार हुआ है और डिप्टी कमिश्नर ने आगे रेवेन्यू विभाग को इस काम के ऊपर लगाया है ताकि जल्द से जल्द हमारा काम जो किया जाए। तो हम आशा करते हैं कि परिवार सर्कल में जहां जहां ये पत्राचार हुआ है जल्द से जल्द वो अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट डीसी ऑफिस में जमा करवाएं ताकि हमारा जो हमारी जो लंबित मांग है और उचित समय पर अतिशीघ्र पूर्ण की जाए, यही हमारी आज इस मीटिंग का विषय था। हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश इकाई की आज जो बैठक हुई है उसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई है। महेंद्र हमारे अध्यक्ष इन्होंने भी आपको बताई है कि जो एक लेटर सरकार इशू कर रही है फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ दीज ऑल सब कास्ट जो कि वंचित रह गई हैं, ये ठीक है, जो चिट्ठियां आ रही हैं उससे कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन तो हुई जाएगी, होगी या नहीं होगी, लेकिन उसमें जो हिमालयन गद्दी यूनियन काफी टाइम से ये डिमांड कर रही है कि सिर्फ एक नोटिफिकेशन की जरूरत है, हमें ये सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं रह गई है कि हम गद्दी समुदाय का हिस्सा हैं या नहीं। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।